हेलो गाइस, दिस इज विशाल फ्रॉम योलो ट्रैवलर। और फाइनली सैटरडे आ गया और हमारा राइड का प्लान हुआ है। सो आज जा रहे हैं हम बंदारदारा। कैंपिंग नहीं है क्योंकि कैंपिंग ऑलरेडी कर चुके थे हम। सो आज हम करने वाले होम स्टे वहाँ पे, और फायरफ्लाइज जो फेस्टिवल चल रहा है वो भी हम आज विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन एक इशू हो गया है कि बारिश हो रही है और हमारे पास दोनों के पास विंडशीटर नहीं है। भीगते भीगते जाएगी। अभी कपड़ों को खाली मैनेज करना है कैसा रखेंगे। बाइक से ही जा रहे हैं, सो निकलते हैं यहाँ से। ऑन द गो अभी जर्नी बताएंगे, तो चलो निकलते हैं। हालत देख सकते हो, पैसा हो गया है, बहुत भारी था। फोन नहीं निकाल सकते थे, कुछ भी नहीं निकाल सकते थे, शूट ही नहीं कर सकते थे। तो अभी हम पहुंचे ठाणे और हैवी ट्रैफिक, चलते हैं। तो उनको थोड़ा पेट्रोल से उनको फिर जाएगा। पाइप दो भाई, इमरजेंसी पेट्रोल देना है। सो अभी फिलहाल 120 किलोमीटर तक चला लिए कसारा घाट से। पहले एक छोटा सा ब्रेकफास्ट कर रहे अपने भाई लोग, और हमेशा की तरह 10 से 15 लोग का प्लान करते हैं और निकलते हैं सिर्फ 4 लोग। चलते हैं, कोई नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, निकलेंगे यहाँ से और 80 किलोमीटर बाकी है, पहुँचते डेस्टिनेशन पे, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। अभी पहले किधर एक डैम भी विजिट करने के, हाँ कुछ बोलना चाहेगा तो सब्सक्राइबर को, क्या प्लान किया है? यहाँ से पाव गेड़ है। बस 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 इतना ही, आगे फिर देखेंगे। नहीं पूरा बताने का नहीं है, आगे जाके बताएंगे। अभी बावली डैम जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। देखो कैसा हो गया है फेस, बिकॉज ऑफ बारिश पूरा प्रोटेक्टेड था, फिर भी थोड़ा बहुत हो गया है काला। And it is a very long vehicle. रोड पे चल रही है ट्रेन, बहुत मजा आ गया यार। ठीक है, अभी थोड़ा शांत हुआ है, तब सूरज देवता आ रहे हैं और बारिश थोड़ा हो गया है, तो सही है। देखिए आवाज़ क्या आ रहा है कि नहीं, फोन से ही ब्लॉक करना पड़ रहा है, एयर तो है नहीं अपने पास आज। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं बावली डैम। तो प्यारा प्लेस यार, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस यार। मेरा गेयर्स यार सुरेश के पास मेरा ड्रोन वगैरह सब कुछ है, वो गांव लेके गया है, सो इसलिए ड्रोन वगैरह नहीं है अभी आज। अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है और बाइक्स पे थोड़ा रिस्की है गैजेट्स कैरी करना। कोई नहीं, अभी अपने बंदे फुल मस्त ऑफ रोडिंग करते हुए।
डैम जाने का जो प्लान था, डैम मिला नहीं अभी तक, लेकिन एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल दिखा है, तो अभी वाटरफॉल पे जाते हैं। कैसा है, कौन सा प्लेस है? हाँ मालूम। अभी तू क्या बोला? अनएक्सप्लोर्ड प्लेस इन इगतपुरी, सो लेट्स एक्सप्लोर। सो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, वैसे ही ऑफ बीट प्लेसेस में जाना पसंद है, तो ऑफ बीट ऑफ रोड देखा रहेगा ना। अभी आपने क्या किया, मैंने खतरनाक वाली फंस गई थी बाइक। चलो अभी जाते झरने में, मिलते का शावर। अभी थोड़ी देर में इन्वेस्टमेंट डबल। ओनली 20 किलोमीटर पहुंचा है। गलती से छोटा सा मिस्टेक हो गया, लोकल से पूछ के अभी जा रहे हैं, अभी प्रॉपरली पहुंच जाएंगे। हाँ लास्ट टाइम भी यहाँ से ही आए थे अपन, यहाँ पे अपन को चल गए थे ना। यस 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 यस, तो यहाँ से गए थे। कैंपिंग वाला भी तो हमने देखा था। रुक गया, लोकेशन दिखा तो रुक गया। पहुंचने के लिए और 3 किलोमीटर हो गया। ऐसे लोग नेचर दिख जाता है तो रुक जाते हैं। ब्यूटीफुल ना, इज ब्यूटीफुल। सो पहुंच गए हम लोकेशन पे। लोकेशन है वसंत सूद, और यहाँ पे देखो छोटा सा कमरा हमारा, अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेस है। आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अभी सो अभी रेडी हो गए, अभी जाएंगे, अभी एकदम मालवणी फूड मचाएंगे। फिर बंदर जरा नहीं, फिर सोएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद धूप कम होने के बाद बाहर जाएंगे, फिर रात को मचाएंगे। यस यस, जुगनू देखने जाएंगे। खाने में है चिकन, चिकन क्या बोलते हैं इसको, रसा एंड चिकन सुक्का, भाकरी, चपाती, लॉट ऑफ थिंग्स यार। चलो स्टार्ट करते फटाफट। सलाद हां भाई, स्टार्ट करना भाई। खा रहा था, वीडियो इम्पोर्टेंट है, उसको बता दिया मैंने। क्लाइमेट कैसा चेंज हो गया अचानक, बारिश होने लगी है, धूप भी अच्छी। सब खुदा का करिश्मा है, ये अपने हाथ में नहीं है। ऐसा क्या, ठीक है, जो ऊपर वाला चाहता है वो होता है। अभी बारिश हो रही है, रात को जुगनू देखेंगे। बादशाह को बता कौन सा है, तेरे प्यार में चमको जैसे जुगनू। देखा नाचते गए, अपन नाचेंगे अपन। ब्यूटीफुल वेदर है यार, डेफिनेटली आना चाहिए। ये वसंत कुंज, वसंत सूद जो प्लेस है, रिसोर्ट है या समथिंग, जो भी होम स्टे है, ये बहुत अच्छा है। खाना बहुत प्यारा था, खाना तो बहुत अच्छा है। दाल राइस तो दाल राइस awesome. बस मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली विजिट करना, सारे डिटेल्स जो है नीचे है। पावर नैप हो गया, अभी उठा हूँ मैं, एक्चुअली खुद से नहीं उठा, किसी ने उठाया। मोंटी भाई उठो, दे थोड़ा भंडार दादा देखते। सो अभी अंदर जाने का कुछ चार्जेस लगता है, सो देखते हैं कितना चार्ज लगता है, फिर मैं बताता हूँ आपको कितना लगेगा। अंदर जा रहे हैं अभी लेक के पास, सो ये डैम के वहाँ से ही एंट्रेंस है, वहाँ से अंदर जाके अभी देखेंगे कहाँ पे अच्छा पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे रुकेंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे और फिर से रिटर्न चले जाएंगे। थोड़ा लेट हो गया, पकौड़े वगैरह खा रहे थे ना इसलिए। सो फाइनली स्पॉट मिला है, स्पॉट जो है अपना वसंत सूद वाला ही कैंप है। अभी अंदर जाते हैं, बाइक बाहर ही रखे, वे भाई साहब को अंदर लेके जाना है लेक के पास। वाह, फिर अंधेरे में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा ना आने, सो इधर ही रखे, गुड डिसीजन। सो अभी अंदर जाते हैं।
बोटिंग करके आ गए, मजा आ गया यार बोटिंग करके। ओनर ही थे हमारे जो वसुंत सूच था ना, उनके ओनर ही थे, तो वहाँ से भी आए यहाँ पे। बीच में जो नदी आया था वहाँ पे हमें क्या है, सीगल जो पीछे दिख रहा है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यार। आई विश कि मेरे पास कैमरा होता अच्छे से शूट कर पाता, लेकिन ठीक है कोई नहीं, लेकिन अच्छे से शूट हो रहा है, दिख रहा है थोड़ा। हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना। कैसा लगा मोंटी तुमको यहाँ पे आके? मजा आ रहा है। 1500 रुपया वसूल। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? कौन सा मैनेजमेंट? कड़क फुल धमाल, मजा आ रहा है एकदम। वेदर, व्हाट अबाउट द कूल ग्लास? कुछ बोलना चाहोगे आप? अरे यार ये चश्मा पहनने के बाद आंख में बर्फ लग रहा है मुझे, एकदम ठंडा लग रहा है। कौन सा चश्मा है? आई वेरेबल प्रमोशन कर रहा है तू तो। सो फाइनली टाइम आ गया, अभी होटल आए थे, थोड़ा सामान लिया था ग्रोसरीज वगैरह खाने के लिए, चिप्स वगैरह तो रख दिए रूम के अंदर। अभी जा रहे जुगनू देखने, 8 बजे का टाइम बोला था, 7:50 हो रहा है, तो 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा लाइन है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड है। डेफिनेटली आना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखते अभी वो एक्सपीरियंस के बाद ही मालूम पड़ेगा। लाइट दिखाओ कुछ बोलना चाहेंगे अपन यहाँ पे? मेरे को दिखा रही है। सो पहुंचे हम अभी स्पॉट पे। जुगनू बहुत कम है यार, है बहुत है या कम है? अरे ऊपर जा रहे हैं। दिखाई कैसा करेंगे? नाइट मोड किसी को आता है? देख नाइट मोड नहीं, मैं दिख जाऊंगा शायद, देख दिख रहा हूँ क्या? हाँ फिर आ जाएगा। देख मैं दिख रहा हूँ मतलब, अबे तू दिख ही जाएगा पीछे, दिख रहा। लाइट बंद कर। अभी नहीं चमक रहा, वो डर गया। मेरे डैडी दिख रहे हैं, एक मिनट को ना कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, मेरे डैडी वहाँ पे ही है। एक मिनट के अंदर भी आ चुके हैं जुगनू, इतने सारे जुगनू है ना यहाँ पे। तो आई होप कि दिख जाए, दिख रहा है? यस, 3-4 वे हैव ऑलमोस्ट एक 5 से 6 जुगनू है रूम के अंदर। आई डोंट नो कहाँ से घुसे हैं लेकिन है। लाइट चालू करते हैं, लाइट चालू करेंगे तो दिखा नहीं है, अपना प्रोफेसर सो गया है। बंद रहने दे, मजा है। आ, रूम के अंदर बना दिए ले, जुगनू ने तारे बना दिए रूम के अंदर। सो डेफिनेटली विजिट करना क्योंकि बहुत मस्त है, और बंदा का हमें धमाल कर सकते हैं। कहाँ पे ये जुगनू है, कोई लाइट ऑफ करेगा सो यू कैन सी दैट। अरे उड़ गया, मेरे हाथ पे आ चुका है, दिख रहा है?
मेरे हाथ पे उड़ गया फिर से। सो गाइस डन, बंदर अदारा का जो हमारा होम स्टे था कंप्लीट हो चुका है। अभी सब सोने चले गए। सो मुझे व्लॉग का एंडिंग करना था इसलिए मैं रुका हूँ। जैसे ही अभी जाता हूँ मैं भी सो जाता हूँ। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आई मस्ट से दैट कि डेफिनेटली आप ये विज़िट कीजिए भंडारदारा, बहुत मस्त प्लेस है। और ये फायर फ्लाइज का जो फेस्टिवल है ये मिस मत करना। ये 15 से 20 दिन का ही फेस्टिवल रहता है, बारिश जैसे स्टार्ट होते तभी होता है ये फेस्टिवल। तो डेफिनेटली आना, जून के टाइम में स्टार्ट होता है। तो बहुत ही प्यारा लगता है यार फायर फ्लाइज। ये कैमरा जस्टिफाई नहीं किया है क्योंकि गियर्स नहीं थे प्रॉपर, लेकिन जितना हो सके मैंने लाइक डिटेल में शूट करने की कोशिश की है। लेकिन फ्लाइज हर जगह पे, आप हमारे लाइक बैकग्राउंड में भी देखोगे ना फायर फ्लाइज हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने। सो आना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। और ये जो स्टे है बेस्ट स्टे है क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत ही प्यारा मिला है हम लोग को खाने के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप आ सकते हो। टिल देन विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऐसी अपना सीरीज जो है वो कंटिन्यू रखूँगा मैं, वन नाइट और विद इन अ डे कहाँ कहाँ जा सकते हैं मुंबई से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।